खबर है दो नौजवान इक्के पिंड दे ओवरडोज ना मर के ड्रग ज्यादा कर लिया नशा ज्यादा कर लिया तो उनकी मौत हो गई है। हुण उहदे थल्ले कोई कमेंट करी जांदा सी वी इह वी हुण के शायद टप्पियां गल्लां सुन के मर गए हुण ते मैं नौजवानों नूं अपील करदा हां कि क्यों आपां बगैरती दी मौत मरना है जे मरन दा इन्ना चा है जे मन दी इन्नी तृष्णा मन दे विच ते कौम दे उत्ते एड्डी विपता पई है इन्ने कौम दुखी है आपां कोई संघर्ष लिखीए आपां कोई कौम दी आजादी दा राह फड़ीए ते उहदे ते सतगुरु सच्चे पातशाह दी जे कृपा होवे ते सब तो उच्ची दात जे सिक्खी दे विच कोई हैगी तो शहादत दी दात है। आपां अरदास इह करनी है कि कलगीधर पातशाह सानू उह दात बख्शो जिहड़ी तुसीं चुण के लखां करोड़ां चो किसे इक सिख नूं बख्शदे जो उह शहादत दी दात है ते असीं की मंगी जांदे आ मावां भैणां अरदास करदियां ने कि सानू दुध दी पुत दी दात बख्शो ते मैं कल वी कहा सी कि दुध ते पुत दी दात मंगणी चंगी गल है पर जिहड़ा पुत सतगुरु सच्चे पातशाह ने दित्ता है जे मुड़ के उहदी झोली पाउणा पै गया ते फिर तुसीं हत्थ पछां कीते ते इह चंगी गल नहीं। बाबा बंदा सिंह बहादुर जिहड़ी गल चली सी वी इत्थे जंग होई है उहनां दी शहीदी वेले उहनां दा चार साल दा पुत्तर सी अजय सिंह बाबा अजय सिंह उहदा कलेजा कढ़िया गया सीना चीर के धड़कदा कलेजा बाबा बंदा सिंह बहादुर दे मूंह च तुन्निया ते उह बाबा बंदा सिंह बहादुर अगे जदों मुस्कुरा पिया हस पिया फरक्शियर बादशाह जिहड़ा सी गुस्से च आ गया क्योंकि उहदा मकसद बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं ईन मनाउणा सी उहनूं दुखी हुंदे वेखणा सी ते जदों बाबा बंदा सिंह बहादुर हसिया ते उहने पुछिया वी हसदा क्यों है ते बाबा बंदा सिंह बहादुर ने हस के जवाब दित्ता कि गुरु किड्डा बेअंत है उहने अपने चार पुत्तर ते अपने चार पुत्तर खालसे पंथ दी झोली पाए सन ते अज तेरे ते फरक्शियर कृपा करके मेरा एक पुत्तर तेरे हथों अपनी झोली पवा लिया सो अज असीं उस बाबा बंदा सिंह बहादुर दी इस इलाके च खड़े हां जिथे उहने आण के खालसा ते अज दी नींह रखी सी ते अज सानूं समझना चाहीदा कि मावां नूं वी असीं उहनां सिखां चो हां जिन्हां मावां ने पुत्तरां दे टोटे करा के गलां च हार पवाए ने मन सवा सवा मन दे पीसने पीसे ने ते अज साडा जवाक एक एक है उह घरों बाहर दो मिंट चल जाए ते मावां दा तराह निकल आंदा वी पता नहीं कितें सट पिट ना लवा ले इन्ने सोहड़ आपां ना बणीए जिन्ने बण गए हां क्योंकि जे कौम चो गुलामी दूर करनी है जे किसे किस्म दा संघर्ष लड़ना है जे असीं चाहुंदे हां वी साडा राज आवे उह राज जिस राज दीआं गल्लां संसार करदा है जिस राज दी गल ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰਾਜ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਐਡਾ ਚੰਗਾ ਰਾਜ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਚੁੱਕ ਜੇਲ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟਦੇ ਜੋ ਸੋ ਜੇ ਚੰਗਾ ਰਾਜ ਸੀ ਚੰਗੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਸ਼ੀ ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਕੇਸ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫੰਡੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਮਨਵਾ ਲੈ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਈ ਕੋ ਮਨਾ ਲੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਵੇਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਈਏ ਸੰਤ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਮੇਰਾ ਰੁੱਸੇ ਨਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜੱਗ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਰੁੱਸ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਫੈਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਾਲ ਕਟਾਉਣੇ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਆਇੰਦਾ ਕਦੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪੈਂਟਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਕਰਾ ਲਓ ਥੱਲਿਓਂ ਕਦੀ ਭੀੜੀਆਂ ਕਰਾ ਲਓ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸੂਟ ਆ ਗਿਆ ਕਦੀ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਤ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੁਛ ਕੱਲ ਕੁਛ ਪਰਸੋਂ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੇੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਚੁਣਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ
जेडे नौजवान केस कतल फराई फिरते जो तुम दिल्ली पिछे लगे जो गुरु पिछे नहीं लगे सौ बहाने घड़िए आप हां जी साडे दिलां च सिखी है की गल कलगीधर पातशाह दे दिल च सिखी नहीं सी जिन्हें सिखी पैदा की है जेड़ा खालसे का रचनाहार है जेड़ा करता पुरख है उन्हें सिखी पैदा की खंडे पट की पौल तैयार करके पांच पैरों नूं अमृत छकाया है ते जो आप दात मंगी है नीवे होके बेनती की है खालसे अगे पांच पैर अगे कि खालसा जी मैनू भी दात दो अमृत की ते उस गुरु की प्रीख्या खालसे ने लई कि सतगुरु सच्चे पातशाह पांच पैरे कहिंदे कि असी तो गुरु साहब जी सीस दिता तुसी की दोगे गुरु साहब कहिंदे समा आएगा खालसे नाल एक वादा जो कुछ है सरबंस तक वार देंगे गुरु ने वह वादा पूरा किया हुण तुसी दसो भी असी वादा तो पूरा करना जेड़ा गुरु नाल वादा है गुरु ने कहा पुत्रन के शीश पर वार दिए सुचार चार मोए तो क्या हुआ जीवित कई हजार जिन्हां वाल उंगल करके कहा सी उन्हां दे चेहरे मोहरे गुरु नाल मिलना उन्हां दी हरकतां गुरु नाल रलन ओ गुरु दे सिख लगनी ना सानू दसना पैंदा नौजवानां नूं मैं ते वेखदा कि कड़ा हथ पाया हुंदा ते फिर भी पुछना पैंदा वी भई सिख जो ते ओह कहिंदे वी हां जी सिख आं ते मैं कहा जे दसना पै गया कि तुसीं सिख जो ते फिर किड्डी माड़ी गल है कि शेर दा पुत्र तुरिया फिरे तो वह अपने गल च फटा लमका के तुरै फिरे भी मैं शेर का बच्चा है शेर के बच्चों फटिया लमकाने की लोड़ नहीं होंगी उन्होंने सर्टिफिकेट की लोड़ नहीं पैंदी लोड़ उन्होंने पैंदी जी अपनी पछाण छड़ जाते हैं सो की करना है आप पछाण कायम करनी है गुरु के हुक्म च जीवना सीखना है सादगी का जीवन जीना है सादगी के जीवन तो मेरा मुराद है कि आप दिखावा नहीं करना दिखावे के आप पलीत हो गए दिखावा कौन करता है दिखावा वह लोग करते हैं जिन्हों को ताकत नहीं जेड़े लोग ताकतवर होन जिहड़ियां कौमां कोल राज होन उह दिखावे नहीं करदियां अज मैनूं पत्रकार साहब ने सवाल किया मैं बहुत हैरान हूं मैं सवाल तो वह कहिंदे भी तुसीं आ बाणा पा लिया ते मैं उहनूं पुछिया भी सवाल ते मैं करां ते तुसीं पेंट कमीजां कातों पालियां ते साडा पहरावा नहीं ते उल्टा सवाल तुसीं मैनूं करी जांदे जो भी जिहड़ा बाणा सिखां दा तुसीं क्यों पा लिया गुलामी की इंतहा वेखो कि जिहड़ा बाणा सदियों तो पा रहे ने सिख जे अज कोई सिख नौजवान पाउंदा उत्ते सवाल है ते सवाल मैनूं तो सगों कल्ले कल्ले पेंट कमीजां नूं खिलार के करना चाहीदा सी कि इह किहड़े गुरु ने बख्शी है जी बाणा ते गुरु ने बख्शिया अनीला बाणा सर्वोत्तम बाणा यह जिहड़ा गुरु ने सानूं दित्ता है जिहड़ियां आपां पेंट कमीजां पालियां यह जीन दियां पेंटां पालियां मैनूं इतराज नहीं जी सदके पाओ पर मैनूं हैरानी उदों हुंदी है कि जदों तुसीं बाणे वाले सिंगां नूं सवाल करदे जो कि तुसीं बाणा क्यों पाया इहो जिहा सवाल केस वाले करदे ने कि तुसीं केस क्यों रखे ने उह सवाल ते इह आ कि तुसीं कटाए क्यों ने असीं ते रखे ने महाराज ने बख्शे ने कटाउण वाले नूं सवाल होना चाहिए भी तुसीं केस कतल क्यों कराए ने सो इस करके गुलामी की यह इंतहा है कि असीं सवाल भी पुठे कर लग पे जिन्हां नूं सवाल होने चाहिए सी उह सवाल करी जांदे ने आ सो आपां जे ते गुरु दे लेखे लगना है जे ते गुरु दे हुक्मां च चलना है फिर ते इह गल दा तहैया करिए इह गल दा फैसला करिए कमर कसा करके कि खंडे बाटे दी पौल छकनी है कल इत्थे गुरु अर्जन देव पातशाह दा गुरद्वारा सन्नी इनकलेव दे विच उत्थे अमृत संचार होना है सो मेरी नौजवानां नूं अपील है कि तुसीं उत्थे वध चढ़ के हिस्सा लो भैणां नूं अपील है भी तुसीं भी पहुंचो कई बंदे कहिंदे भी तुसीं भैणां नूं बेनती नहीं करदे मैं इह गल कहिंदा भी बेनती मेरी सारिआं नूं है किसे कल्ले बंदे नूं नहीं ना भैण नूं ना बंदे नूं यह लिंग बलिंग च असीं नहीं पैणा साडा मकसद है गुरु के सिखां नूं सुनेहा देना ते गुरु के सिख बंदे जनानियां नहीं कल्ले सारे गुरु के सिख ने सो आपां कोई वखरा सुनेहा किसी नूं नहीं देना नौजवानां नूं मैं खास अपील तां करदा वार बार कि यह नशियां च ग्रसे ने यह आवारा गर्दी करन ते आपां जोर दिता होया आपां सुधरीए सुधर के गुरु के लड़ लगीए अपने हक्कां की गल करिए ते जे राज लैणा मैं बहुत स्टेजां तो यह गल कह चुका इतों भी कह दिना राज उस दिन आना है जिदन असी राज करन जोगे हो गए जिदन असी खालसे बन गए उस दिन खालिस्तान आपे बन जाना है ते खालसे बन लई सब तो पहली शर्त की है खालसे बन लई सब तो पहली शर्त है खंडे पाटे की पौल छकनी नशे त्याग के नाम बाणी दे धारनी बनना वाहिगुरु मंत्र जिहड़ा वा उहनूं दृढ़ करना ते फिर सीस तली दे धर के लड़न लई मरन लई तैयार होना हुकूमत कहिंदियां तुसीं भड़काउंदे जो नौजवानां नूं मैं गल कहा भी हां जी जी भड़काउने आ मैं चाहुंदा भी नौजवान भड़कण भड़क के गुलामी की पछाण करन पापियां नूं जिहड़े नौजवान ने उह सोधण इह मेरी मन दी इच्छा है क्योंकि गुरु का हुक्म है ते जे तुसीं चाहुंदे जो कि चुप चपीते नौजवान जिहड़े ने
ਨਾੜ ਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣ, ਰੋਜ਼ ਸੈਂਕੜੇ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚ ਭੜਕਾਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚ ਭੜਕਾਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਲਾਮ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਘਰੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 100 ਬਹਾਨੇ ਕੱਢ ਲਓ, 100 ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰ ਲਓ, 100 ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ, 100 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਇਜ਼ ਕਹਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਹੋਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਲੜ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਏ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਤਰਕ ਸੀ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ, ਵੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਵੇਰੇ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਉਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਦਣ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦਣ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਤੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਾਇਦਾ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਦੋਂ ਵੇਖੀਏ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਾਇਦਾ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖੀਏ, ਫਾਇਦਾ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤਰਕ ਕੀ, ਫਾਇਦਾ ਕੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਵੱਢ ਲੈਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਢਣੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਧੂਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿੰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹੀਏ, ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵਾਰ ਵੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੁੱਟ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪੈਂਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।